2021 में स्टार्टअप्स इन इंडिया हैड अ ग्रेट टाइम. इन टोटल दे रेज्ड $35 बिलियन एंड प्रोड्यूस्ड 44 यूनिकॉर्न्स इन 2021 इटसेल्फ. इट सीम्ड एज इफ अ पार्टी वॉज गोइंग ऑन एंड एवरीबडी गॉट अ पीस ऑफ द केक. सैलरी पैकेजेस गॉट डबल्ड एंड इवन ट्रिपल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड वैल्यूएशंस जस्ट स्काईरॉकेटेड. बट इन 2022 द पार्टी केम टू अ स्टॉप. Suddenly startups started laying off employees and इसमें बड़े बड़े startups के नाम थे. 2022 अभी तक खत्म भी नहीं हुआ and अभी तक 11,000 employees को lay off कर दिया जा चुका है. Hiring rate 50% less हो चुका है than it was back in 2021. तो ऐसा क्या हो रहा है अब कि startups इतने massive layoffs करने पे मजबूर हो गए हैं. इन लेऑफ्स को समझने के लिए पहले स्टार्टअप का जो फंडिंग मॉडल होता है उसे समझना बहुत जरूरी है. सो लेट्स से कि ये एक स्टार्टअप है एंड इसे फंडिंग की जरूरत है. फंड्स प्रोवाइड करने आया एक वेंचर कैपिटलिस्ट. स्टार्टअप प्रॉमिसेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन वैल्यूएशन एंड बदले में उसे फंड्स मिल जाते हैं. एंड विद दिस मनी स्टार्टअप हायर्स लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू गेट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स. बट व्हेन दीज न्यू प्रोजेक्ट्स फेल दीज एम्प्लॉयज आर लेड ऑफ. कुछ ऐसा ही देखने को मिला ओयो कंपनी के केस में. Oyo entered into Oyo Weddings, Oyo Silver Key, Capital O, Palette Resorts. But when the projects were turning out to be financially stressful, they were scaled down. And इस चक्कर में layoff करना पड़ गया employees को. दूसरा reason होता है increased competition. Back in 2016, demonetization के time पे, Paytm was the only company which was into digital payments. हम सभी के लिए Paytm एक synonym बन चुका था with digital payments. और हम सब लोग ऐसे बोलते थे कि भाई मैं तुझे Paytm कर दूंगा या तू मुझे Paytm कर देना. At that time, Paytm was on a hiring spree. But as competition began, Paytm का market share कम होता चला गया. And ultimately, it was forced to lay off its employees. तो ये तो बात हुई Oyo and Paytm के बारे में. But generally जो startups problem face कर रहे हैं वो ये है. 2022 में due to global meltdown, fall of valuation of tech stocks and inflation, capital flow slow हो चुका है. यानी capital मिलने में अब मुश्किल हो रही है. जहां पहले startups $10 बिलियन रेज करते थे every quarter, वो 2022 में $6.8 बिलियन तक पहुंच चुका है. अब कैपिटल की कमी देखते हुए वेंचर कैपिटलिस्ट वांट टू रैशनलाइज कॉस्ट. 2021 में सबका फोकस था वैल्यूएशन पे. बट अब इन 2022 अब फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. वेंचर कैपिटलिस्ट को डर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग तक आते आते बीच में ही पैसा खत्म ना हो जाए. अब अपनी कॉस्ट को रैशनलाइज करने के लिए कंपनी सबसे पहले फोकस करती है एम्प्लॉय कॉस्ट पे, विच लीड्स टू पे कट्स एंड लेऑफ्स. ये चीज सारे लेऑफ्स में देखने को मिली है कि जो कॉमन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को लेऑफ किया जाता है वो है सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस. बट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हाथ नहीं लगाया जाता बिकॉज इन सारे स्टार्टअप्स का जो कोर फंक्शन है वो टेक बेस्ड है. सो आई होप विद दिस वीडियो यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि क्यों आजकल न्यूज में इतना हम लेऑफ्स के बारे में सुनते रहते हैं. बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन यू Take care. Have a nice day.